प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका टेस्ट पेपर्स है। आपको मार्केट में जितने नंबर ऑफ कोचिंग्स पता है, जितने भी 20-25 कोचिंग्स, सबके टेस्ट आप सीरीज उठा के लाइए। कभी ऐसा नहीं करना है कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा फिर। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने में सबसे पहले तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है स्टार्टिंग में, मुझे 1 घंटा लगता था क्योंकि मैं नोट करा। आपको उतना कंटेंट चाहिए ही नहीं जितना कि मैगजीन में लिखा है, ठीक है। आपको हर चीज के 8-10 पॉइंट पता होने चाहिए, उसके अलावा आपको कोई जरूरत ही नहीं है उतना कुछ पढ़ने की। साइंस एंड टेक के लिए आपने कौन सी बुक रिफर करी थी? हिस्ट्री का टेस्ट इतने मार्क्स, पॉलिटी का टेस्ट इतने मार्क्स, और लास्ट में मैं फिर देखती थी कि मेरे 90 किसमें हैं, तो मैं येलो पेंसिल को हाईलाइट करती, तो वही चीजें पूछी जाएंगी। इस तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है। आपका छूट गया 1-2 दिन का तो आप उसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट होगा, मैक्सिमम 1/2 घंटा लगता है पढ़ने में, मैक्सिमम 1/2 घंटा, बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है अपनी एनसीईआरटी पे। कितना भी कोई कह ले कि अब तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अब तो एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे, अब तो जो है कि डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे, पर एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं। मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी थी, मतलब आई थिंक स्पेक्ट्रम तो मैंने 30 टाइम्स पढ़ी है, और एनसीईआरटी भी 20-28 टाइम्स आराम से टिक करती थी। एक बार हो गया, दोबारा हो गया, टिक करती थी, ठीक है। तो बार बार पढ़ना है, वही पढ़ना है, ठीक है। बार बार पढ़ने के बाद भी मैं अभी भी क्वेश्चन गलत करती हूँ। तो टेस्ट दिए, टेस्ट प्रैक्टिस जो आपकी हो रही है उसमें चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट वो चीज़ है जो आपको आती नहीं है, आपको वो पढ़नी है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आता है वो तो आपने मार्क कर दिया, सही हो गया, नंबर मिल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? उससे हमको फायदा किस चीज़ का मिलने वाला है? जो नहीं आता है उसका आंसर मिल रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी? PYQs, ठीक है। साथ साथ में आप जब भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आप भले ही PYQs सॉल्व ना करें, आप देखते रहिए, रोज देखते रहिए, ठीक है। रोज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस वाले किंगडम से पूछा गया था कि इसका कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तो मेरे को हर किंगडम के पोर्ट्स याद कर। अगले साल जून में प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो मैं तैयारी शुरू करूंगी तो कैसे शुरू करूंगी? मैं पहले वो सब्जेक्ट उठाऊंगी जो कि मेंस और प्रीलिम्स में सेम होते हैं। आपका एसे का पेज है, आपने लिखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मतलब टॉपिक ऐसे करके टॉपिक लिखा, कोर्स में हुआ, अब यहाँ से ऐसे शुरू हो गया, यहाँ से शुरू किया, जो भी आपका एनेक्डोट था वो आपने ऐसे सीखना शुरू किया, आपका एनेक्डोट खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म, 10 we will delve into deep अबाउट दिस दिस करके खत्म, यहाँ पे बैक पेज पे टिक, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड, आपने हिस्टोरिकल जो लिखा कि मैन हैज प्रोग्रेस्ड दिस दिस दिस, आपने पीछे किया टिक। फिर आपने कुछ और लिखा स्पेस के बारे में लिखा टिक। ऐसे ऐसे करके आपको सारे पॉइंट लिखने, वो पेज हमेशा पलटते रहिए, देखते रहिए, और जो कीवर्ड है उसको हमेशा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे बीच में ऐश्वर्यम प्रजापति मैम है, एंड इस साल के यूपीएससी पेपर में मैम ने ऑल इंडिया रैंक 10 अचीव किया है। गाइस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। एंड मैम के बारे में कुछ और भी बताना चाहूंगा। मैम लखनऊ को बिलोंग करती हैं, आई गेस मैम, आई एम राइट। एंड मैम का ये सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम कुड नॉट मेक इट थ्रू, बट इन दिस अटेम्प्ट मैम ने बहुत ही अच्छी ऑल इंडिया रैंक 10 अचीव की है। एंड आप लोग शॉक हो जाओगे, मैम के मेंस के मार्क्स आई गेस मैम 890, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट मार्क्स गाइस, वेरी ग्रेट मार्क्स, प्लीज। एंड बट मैम एक चीज और, मैम की फर्स्ट अचीवमेंट नहीं है गाइस, मैम ने क्लास 10th में 10 CGPA अचीव किया, क्लास 12th में मैम ने 95% अचीव किया, एंड इससे पहले मैम LNT में काम करती थी। गाइज, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैम मैं आपको सौंपता हूँ ये स्टेज, एंड मैं चाहूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, उनको आप कुछ गाइड कर सकें और बता सकें कि कैसे फ्यूचर में आप, कोई भी इनके जो डाउट्स हैं, कैसे आप तक आपकी जर्नी कैसी रही, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने ये अचीव किया। बिफोर वी स्टार्ट मैम, आई वुड लाइक टू फेलिसिटेट यू, प्लीज। आप आवाज़ आ रही ना सबको? ठीक है, तो हाय दोस्तों, कैसे सब लोग? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, थोड़ा सा थक गई हूँ बस। तो सबकी क्लास हो गई कि होगी इसके बाद? अच्छा, इसके बाद भी किसकी क्लास है? अच्छा, हिस्ट्री की है। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी आप सबको, अपना जो जो भी मैंने चीज़ें करी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए वो बताऊंगी। इंटरव्यू के लिए तो खैर आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रीलिम्स और मेंस बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछिएगा मुझसे, तो मैं वो एड्रेस करूँगी। तो मैं, जैसा कि सर ने बताया, लखनऊ से हूँ, पर मतलब माई बर्थ वॉज इन गोरखपुर, तो मैं ओरिजिनली गोरखपुर से हूँ। लखनऊ में पढ़ाई की, सब कुछ किया, 12th 10th सब कुछ लखनऊ में, और आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड।
ठीक है, उसके बाद एक साल मैंने L&T में जॉब करी एंड द डे आई जॉइंड वॉज द सेम डे वेन आई रिजाइंड आफ्टर अ ईयर. ठीक है, तो जस्ट एग्जैक्ट 1 ईयर. ओके, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी. आई थिंक आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम का तो सबको पता है. हाँ, प्रीलिम्स, मेंस, सिलेबस, बुक लिस्ट. ठीक है, जो बुक लिस्ट आपको पता है वही फॉलो करी मैंने, उससे एक भी चीज़ आगे या ज़्यादा नहीं करी, ना ही कम करी. तो कुछ जो अलग चीज़ है वो मैं बताऊँगी, बाकी बुक लिस्ट में रिपीट नहीं करूँगी. सब कुछ सेम है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, शंकर IAS, है ना, सब कुछ सेम है. तो प्रीलिम्स की शुरुआत करते हैं. सबसे पहला जो मेरा अटेम्प्ट था जब मैं जॉब छोड़कर आई थी, सितंबर में आई थी और मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और प्रीलिम्स था जून में. तो जो भी मेरे पास 8-9 महीने थे तो मैंने प्रीलिम्स नहीं पढ़ा. ठीक है, मैंने शुरुआत करी मेंस और ऑप्शनल से. ठीक है, तो मैंने पूरा 7-8 महीना सिर्फ और सिर्फ मेंस का कंटेंट तैयार किया, ऑप्शनल तैयार किया, ऑप्शनल के नोट्स तैयार किए, सब कुछ किया. और मेरे दिमाग में क्या था, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव है, वो तो हो ही जाएगा. ठीक है, और प्रीलिम्स के जस्ट 1 महीने पहले मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें शुरू करी, जैसे कि करंट अफेयर्स पढ़ना. ठीक है, वरना मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ के रख देती थी, उसका कोई भी अगर फैक्ट प्रीलिम में पूछा जाता है तो मैं वो छोड़ देती थी. मैं मेंस का एनालिटिकल पोर्शन पढ़ के मैंने सारे करंट अफेयर्स निपटा दिए, पर मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा. तो एज़ यूजुअल, जब पढ़ा नहीं तो प्रीलिम्स कैसे होगा, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ. बट मेरे दिमाग में था कि मेरे को पहले प्रीलिम्स क्लियर करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था. तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती, या तो आप मेंस में कम स्कोर करते, ठीक है, तो आपकी रैंक पीछे होती, या तो फिर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे लेकिन आपका मेंस का जो सिलेबस है सॉलिड तैयार है जो कि आपको मदद करेगा. तो मेरे दिमाग में ये वाली बात ज़्यादा थी कि मेरे को पहले अपना मेंस और ऑप्शनल तैयार करना है, प्रीलिम्स का देखा जाएगा, इस साल नहीं होता है तो अगले साल. ठीक, पर आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक है, मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था पहले में और दूसरे में, कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ किस वजह से. सबसे पहला जो मैंने चीज़ करी वो मैंने प्रीलिम्स को टाइम दिया. ठीक है, 4 से 5 महीने का. आई थिंक मई लास्ट में पेपर था तो मैंने जनवरी से मेंस और ऑप्शनल को साइड रख दिया बिल्कुल भी, और प्रीलिम्स की सारी बुक्स उठा ली, सब कुछ. ठीक है, और उसके अलावा मैंने क्या किया, पहले साल मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, 10-15 टेस्ट दिए थे, 15-20 मिनट में देके छोड़ देती थी. इस बार मैंने 150 टेस्ट दिए. ठीक है, तो टेस्ट दिए. टेस्ट प्रैक्टिस जो आपकी हो रही है उसमें चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो चीज़ें जो आपको आती नहीं है, आपको वो पढ़नी है. ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आता है वो तो आपने मार्क कर दिया, सही हो गया, नंबर मिल गए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उससे हमको फ़ायदा किस चीज़ का मिलने वाला है. जो नहीं आता है उसका आंसर मिल रहा है, वो आंसर आपको पीछे उसके सॉल्यूशन में देखना है, उसको नोट करना है, उसी को रिवाइज करना है. ठीक है, वो ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन किस बुक में है या फिर ये क्वेश्चन मुझे इस बुक में मिल रहा है तो मैं अब ये बुक उठा के लाऊंगा और पढ़ूंगा. जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका जहां आंसर है याद कर लिया, ख़त्म कर दिया, मेरे को देखना ही नहीं किस बुक में है, किसने पूछा, कब आया, कुछ नहीं. आंसर दिया, आंसर याद कर लिया, कभी पूछेगा तो मैं बता दूंगा. ठीक, यही करना है. प्रीलिम्स के लिए सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखे मैंने. हिस्ट्री की NCERTs पढ़ी, ओल्ड NCERT भी पढ़ी. ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ी. इसके अलावा एक जो बुक मैंने एक्स्ट्रा पढ़ी थी वो प्लासी टू पार्टीशन करके बुक थी, बट उसमें आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा. शुरुआत के चैप्टर्स में कुछ कुछ कमीशन के नाम मेंशन है, कुछ कुछ लोकल स्ट्रगल मेंशन है जो आपके स्पेक्ट्रम में नहीं दिए हुए हैं. ठीक है, कोई कोई कमिटी किसी फ्रीडम फाइटर ने बनाई थी वो मेंशन है, जो कि आपके स्पेक्ट्रम में नहीं है. आपको सिर्फ वही एक पेज में नोट करना है, उसके बाद उस बुक को कभी नहीं छूना है. ठीक है, यही करना है. जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि ओल्ड NCERTs मैंने बहुत बार पढ़ी, पर कैसे पढ़ी, ओल्ड NCERTs की नाम क्या है, सतीश चंद्रा और आर्य शर्मा. ठीक है, ऑनलाइन खोला, पढ़ा, वर्ड खोला, कॉपी पेस्ट. पॉइंट नंबर 1, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, जो कोई फैक्ट दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट किया, 20 पन्ने का तैयार किया इतनी मोटी बुक का, और उस बुक को कभी दोबारा नहीं खोला. सेम ऐसे ही एंशियंट वाली के साथ किया. ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि आपका सोर्स ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है. ठीक है, तो आप जब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 20 पेज को आप 20 बार रिवाइज कर सकते हैं, पर वो बुक आप बहुत बार नहीं पढ़ पाएंगे और वो एकदम एग्जैक्ट फैक्ट पे फोकस नहीं रहेगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है अपनी NCERTs पे.
कितना भी कोई कह ले कि अब तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अब तो एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे, अब तो जो है कि डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे, पर एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं। मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी थी, मतलब आई थिंक स्पेक्ट्रम तो मैंने 30 times पढ़ी है, और एनसीईआरटी भी 20-28 times आराम से टिक करती थी, एक बार हो गया दोबारा हो गया टिक करती थी। ठीक है, तो बार बार पढ़ना है वही पढ़ना है। ठीक है, बार बार पढ़ने के बाद भी मैं अभी भी क्वेश्चन गलत करती हूँ अगर मेरे से पूछेगा तो, सब करेंगे, आप 50 बार भी पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत से, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन ज़रूर गलत करेंगे। ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ना है। इसके अलावा दो पोर्शन होता है प्रीलिम्स में, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी आपको ना तो करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, ना ही बहुत कम टाइम देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल आई थिंक ज़्यादा ही प्रोपोर्शन आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। तो करंट अफेयर्स के लिए एक मैगज़ीन, एनीवन, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की बस एक मैगज़ीन उठानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे उस वाली में तो ये इशू दिया था, इसमें नहीं दिया है, तो मैं अब वो वाली पढ़ूँ। वो इशू आपके 2-4 महीने के बाद या पहले कहीं ना कहीं उस बुक में दिया होगा, उस बुकलेट में। ठीक है, आपको एक ही मैगज़ीन पर ट्रस्ट करना है, कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करने बैठोगे तो आप 10 चीज़ रिवाइज़ नहीं कर सकते, आप एक ही चीज़ रिवाइज़ कर सकते हो। तो हर सोर्स आपको यही दिमाग में याद करके रखना है कि मैं इसको रिवाइज़ कर पाऊँगा कि नहीं, और अगर नहीं कर पाऊँगा तो मेरे को इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके एक पेज में नोट्स में लिख लेनी है कि मैं वो नोट्स को रिवाइज़ कर लूँगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया। अभी हमको कभी भी स्टैटिक के कॉस्ट पे करंट अफेयर्स को नहीं करना है। ठीक है, आप टेस्ट पेपर्स लगाएंगे, अगर उसमें आपको ज़्यादा प्रोपोर्शन करंट अफेयर्स का दिख रहा है तो आप ये नहीं करेंगे कि अब मैं स्टैटिक को छोड़ के करंट अफेयर्स पढ़ने लगूँ, बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ना है पर स्टैटिक आपका सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्पेक्ट्रम की बुक का सवाल मिस कर दिया। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो कोई और मिस नहीं करेगा, आप कर देंगे, तो आपके मार्क्स, करंट अफेयर्स का चांस है कि कोई और भी मिस करेगा। ठीक है, तो स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस, एनसीईआरटीज, और उसके साथ एक एडवांस बुक जो भी आपकी चल रही है, जो भी लक्ष्मीकांत जी की बुक है, स्पेक्ट्रम है, शंकर आईएएस की है, जो भी है आपकी, वो आपको पढ़नी है। प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका टेस्ट पेपर्स है। आपको मार्केट में जितने नंबर ऑफ कोचिंग्स पता हैं, जितने भी 20-25 कोचिंग्स, सबके टेस्ट आप सीरीज़ उठा के लाइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं फुल लेंथ दूंगा, ठीक है, कि फुल लेंथ टेस्ट दूंगी मैं, जब आएगा तब दूंगी, कि फुल लेंथ तो अभी मार्केट में आ नहीं रहा, अभी तो सेक्शनल वाले आ रहे हैं तो मैं सेक्शनल नहीं दूंगी। ऐसा नहीं करना, आपको डे वन से जब आपका एक एक सिलेबस ख़त्म होता जाए, आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, और एक या दो या तीन या चार की नहीं लगानी कोचिंग्स की, आपको कम से कम 10-12 कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ लगानी है। ठीक है, क्योंकि आप एक की लगाएंगे, दो की लगाएंगे, आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपके दिमाग में पैटर्न पता चल जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था कि मैं एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगाती थी, और उसमें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, उसमें जो बहुत ज़्यादा लिखा होता था जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमेशा सही होता था। तो मेरे को बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे, मतलब मैं, वो मेरे दिमाग में हो गया था कि अच्छा ये बड़ा वाला ऑप्शन है तो मैं टिक कर देती हूँ, सही, वो 90% सही होता था। तो वो चीज़ कैसे जाएगी आपकी? पर आपको तो आता नहीं है, एग्ज़ाम में तो ऐसा पूछेगा नहीं, एग्ज़ाम में तो बड़ा ऑप्शन करके आप करके आ नहीं सकते, तो आपको चाहिए वैरायटी। आप 10-12 कोचिंग्स के लगाएंगे तो आपके दिमाग में कभी पैटर्न नहीं बनेगा कि अच्छा बड़ा वाला सही होता है, अच्छा डी वाला ऑप्शन सही होता है, अच्छा सी वाला सही होता है। आपको तब आप एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, कि लॉजिक निकाल सकते हैं कि अच्छा इसलिए ये सही होगा, मेरे को ऐसा ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है कि ठीक है। ठीक, टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, बहुत सारी कोचिंग्स के लगाने हैं, एक या दो के नहीं लगाने। दूसरी बात, कभी भी टेस्ट पेपर को लगा के छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपने बुकलेट ली, आपने लगाया, आपको मार्जिन बनाना है, करेक्ट, इनकरेक्ट, लेफ्ट, गेस्ट। ठीक है, कितना करेक्ट हुआ, कितना इनकरेक्ट हुआ, कितना आपने छोड़ दिया नहीं किया, और कितना आपने गेस वर्क किया है। ठीक है, गेस वर्क में करेक्ट इनकरेक्ट, ये आप कम से कम 10-20 टेस्ट के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेस कर रहे हैं और कितना आपका सही या गलत हो रहा है। तो मैं क्या करती थी, मैं गेस करती थी, आई यूज़ टू गेस द क्वेश्चंस, कुछ भी लॉजिक लगा के, जो भी अपना होता है नॉलेज लॉजिक। तो मेरा हमेशा होता था कि अगर मैंने 10 किया है तो 6 या 7 गलत होते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को ये काम नहीं करना है, जब नहीं करना तब कि पेपर बहुत टफ है और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा गेस नहीं करना है, या आपके कंसिस्टेंटली 10 में से 5 सही हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा मैं कुछ लॉजिक लगा रहा हूँ वो सही हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से इनकरेक्ट वाले से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके नेगेटिव मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका 10 मार्क्स, अगर आपने 70-80 स्कोर किया है, उसमें से आपके 10 नेगेटिव होकर 70 बन रहे हैं, तो आपको एक दिमाग में सेट करना है कि मैं 10 तक मैं नेगेटिव अपने
कम कटवा सकता हूँ मार्क्स, 10 मार्क्स अगर मेरे कटेंगे तो ठीक है, अगर मैंने 80-90 ऐसे स्कोर कर रहा हूँ तो 10 अगर कटेंगे तो भी मैं कट ऑफ के आसपास रहूँगा, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि 6 से 10 नंबर के बीच में आपका नेगेटिव स्कोर हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मेरा ये था कि मैं ये कोशिश करती थी कि गलत ना करूँ, एटलीस्ट नेगेटिव में मार्क्स ना जाएँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें एटलीस्ट 10-20 पेपर्स में आप ये पैटर्न फॉलो करिए, करेक्ट इनकरेक्ट गेस लेफ्ट और उसके हिसाब से। दूसरा स्टेप क्या है, मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, पेपर दे दिया। पेपर हमेशा आइटरेशन में देना है, ये नहीं कि रूम पे बैठे हैं तो एक बार में देके ख़त्म कर दिया। 2 घंटे का पेपर होता है, आप 2 घंटे नहीं 1 घंटे दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, पर बैठिए 1 घंटा, आपको हर पेपर को लेकर बैठना है, ठीक है। देखना है, सोचना है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। रिलेट करना है, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा 50 क्वेश्चंस थे तो मुझे 15-20 आते थे, मैंने टिक करके छोड़ दिया। मैं यही करती थी फर्स्ट वाले साल में, यही करती थी। करंट अफेयर्स तो पूरा पूरा छोड़ देती थी, पढ़ती भी नहीं थी, मुझे लगता था कि ये तो वैसे भी मैं नहीं कर पाऊंगी। स्टैटिक में जो आता था वो टिक मार्क करके छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको 1 घंटा पेपर लेके बैठना है, आइटरेशंस में करना है। पहले मैं वो करूँगा जो मुझे आता है, दूसरा मैं वो करूँगा जिसमें मैं थोड़ा श्योर हूँ कि हाँ ये हो सकता है, तीसरी बार मैं अपना दिमाग लगाने स्टार्ट करूँगी कि ठीक है ये 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 के में से मेरा टारगेट है, मैं 10 तो कैसे भी करके टिक करूँगी, ठीक। इस तरीके से मेंटल प्रैक्टिस करनी है, यही वहाँ पे काम आएगी। वहाँ पे कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन देखा हुआ है, वहाँ पे सब क्वेश्चन अलग ही लगेंगे। और सबसे टफ पेपर वही होता है जो आप दे रहे होते हैं, उसके अलावा टफ पेपर कोई नहीं होता, वही सबसे टफ होता है जो आप उस टाइम दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको लगेगा अरे ये तो ईजी था, इससे पहले वाला ईजी था, इसके पहले साल का ईजी था, अगले साल वाला ईजी आया, मेरा क्यों टफ आया। तो सबसे टफेस्ट पेपर वही है जो आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है कि मैं आइटरेशंस में करूँगा, है ना। ऐसा नहीं कि अगर मुझे गेस करने हैं तो मैंने 20 एक साथ गेस कर लिए, पहले मैं 5 गेस करूँगा, फिर दोबारा से पेपर देखूँगा, फिर 5 करूँगा, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। टेस्ट लगाने के साथ साथ और सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है, पीछे सब आंसर्स दिए रहते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, जो आपने गेस वर्क किया है, जो आपने छोड़ दिया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप अपनी एक अलग से बुक बनाइए, कॉपी बनाइए, उसमें वो चीज़ें शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। कोई भी आपको ऑप्शन दिख गया जो आपके बुक में आपने पढ़ा है पर आपको जो है कि उस टाइम नहीं याद आ रहा था कि अच्छा अरे ये ऑप्शन, ये वर्ड तो मैंने बुक में कहीं सुना है, ठीक है। कोई आर्किटेक्चर का फॉर्म मेंशन किया है, कोई कहीं का फोक डांस या म्यूज़िक मेंशन किया है पर आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, आपने नाम सुना है, आप तुरंत लिखिए पीछे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं, पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें नोट करनी है जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, PYQs, ठीक है। साथ साथ में आप जब भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आप भले ही PYQ सॉल्व ना करें, आप देखते रहिए, रोज़ देखते रहिए, ठीक है। रोज़ देखिए, आपको आपको ये आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस वाले किंगडम से पूछा गया था कि इसका कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तो मेरे को हर किंगडम के पोर्ट्स याद करने हैं। अच्छा इस वाले किंगडम से पूछा गया था इसका रॉयल इंसिग्निया क्या है, तो क्या मतलब हुआ कि मेरे को हर किंगडम के रॉयल इंसिग्निया याद करने हैं कि किसका क्या होता है, ठीक है। उस तरीके से आपको करना है, उस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ लिखनी है, क्या छोड़नी है। बुक के अलावा की जो नॉलेज है, ये जब आपने 40-50-100 टेस्ट लगा लिए तो ये जो आपका बन के आ रहा है क्वेश्चन बैंक और आंसर का पूरा, ये आपको असली एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यही आपको हेल्प करेगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाने के लिए जो बाकी लोग नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक में ऑलमोस्ट सबको सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये टेस्ट की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। कभी ऐसा नहीं करना है कि मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा फिर टेस्ट लगाऊँगा, कि मैं पहले पूरा एक बार प्रीलिम्स का रिवाइज कर लूँगा फिर मैं टेस्ट लगाऊँगा। एक सब्जेक्ट पढ़ा, याद किया, तुरंत टेस्ट लगाना है। इसका रीज़न क्या है, आपको आपकी गलती एकदम स्टार्टिंग में पता चल गई, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में पता चल गई कि अरे मैं तो 20 गेस कर रहा था, मेरे तो 15 गलत हो रहे हैं। आपके पास बहुत टाइम है उसको सही करने का, ठीक है। अगर आपने 4 महीने प्रीलिम्स को दिए हैं और 1 महीना पढ़ने के बाद आपने टेस्ट शुरू कर दिए, तो 3 महीने हैं जिसमें आप अपने जो प्रीलिम्स को क्वेश्चंस को लगाने का तरीका है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने सारा टाइम गंवा दिया पढ़ने में और सोचा कि अब मैं टेस्ट लगाऊंगा, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा अपनी मेंटल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि अच्छा मुझे नहीं आएगा तो मैं ये छोड़ के फिर दोबारा करूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3R3P, रिविजन रिविजन रिविजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रीलिम्स का आई थिंक मैंने इसी पे फोकस किया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सोर्सेज वगैरह तो आपको पता ही हैं।
बहुत एक्स्ट्रा कुछ तो मैं सोर्सेज मुझे ध्यान नहीं आ रहा। प्लासी टू पार्टीशन एक बुक मैंने बताई, वही मैंने की थी। हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, और किसी दिन का स्किप हो जाए तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो आपको वो अगले दिन पढ़ना है, ठीक है? आपको न्यूज़पेपर किसी भी दिन का स्किप नहीं करना है, ठीक है? होली दिवाली होती थी तो मेरा एक एक हफ्ते का न्यूज़पेपर छूट जाता था, तो मैं 3-4-5 घंटे लगा के पढ़ती थी उसे, ठीक है? तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर का आपको बहुत विजिबल इफेक्ट अपने प्रीलिम्स में या मेंस में नहीं दिखेगा, लेकिन वो साइलेंट हेल्प करता है आपको, ठीक है? तो आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है? इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में? तो पहले तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस सबसे पहला स्टेप सिलेबस ही देखने का है, तो मैं अभी बता रही हूँ। सिलेबस देखिए। अब आपको ये बहुत ही जनरल आइडिया कि मेरे को क्रिमिनल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है, मान लीजिए COP26 की मीटिंग चल रही है, तो वो जब से अनाउंस होती है 1 महीने तक उसके आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है? आपको नहीं पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ एक ही चीज़ का आर्टिकल पढ़ें। आपने एक दिन पढ़ लिया, उसके कंक्लूजन डे का आर्टिकल पढ़ लिया, शुरुआत के दिन का आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है? उसके अलावा बहुत ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक का आर्टिकल बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल्स पढ़िए। आर्टिकल्स पढ़ने से क्या होता है कि आपको लिखने का तरीका पता चल जाता है, ठीक है? कोई एक्स पर्सनैलिटी ने कोई आर्टिकल लिखा है तो आपको उसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? उसने स्टार्ट कैसे किया है, ठीक है? किसी भी टॉपिक को उसने स्टार्ट कैसे किया है, ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? ये आपको एसे में हेल्प करेगा कि आपको एसे को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? अगर उसने स्टार्ट किया है किसी कोर्ट से, या उसने कोई डेटा दे दिया, या उसने किसी कंट्री का कंपैरिजन कर दिया, ठीक है? उसने कोई एनेक्डोट दे दिया, कुछ जो है कि फिलोसफिकल बात से स्टार्ट किया, वो आपको देखना है कि कैसे लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है? कहाँ कहाँ ब्रेक्स ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, कहाँ सब हेडिंग डाल रहे हैं ये, कहाँ डेटा दे रहे हैं, कौन से कमीशन की रिपोर्ट मेंशन कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने में सबसे पहले तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है स्टार्टिंग में। मुझे 1 घंटा लगता था, क्योंकि मैं नोट करने लगती थी। वो काम आपको नहीं करना है। आपको न्यूज़पेपर से नोट नहीं करना है। आपको न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ना है कि मुझे जनरल अवेयरनेस है, ये दुनिया में हो रहा है। कल को मेरी मैगजीन आएगी करंट अफेयर्स की, उसमें ये चीज़ें होंगी तो मुझे नई नई लगेंगी, ठीक है? मुझे पता है कि हाँ ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, अब 1 महीने बाद मैगजीन आई, तब मैं पढ़ लूँगा कि ठीक है ये इशूज़ थे, इस वजह से हो रहा था, इस बॉर्डर पर आए थे लोग, ये स्टेप्स लिए गए थे, ये कमिटी बनाई गई थी। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आपको ये नहीं है कि मैंने पढ़ा मुझे याद कर लेना है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है? न्यूज़पेपर्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, ये आप आजकल तो आप जो है कि वेबसाइट पर भी डाल कर देख सकते हैं। आपको बहुत सारा आई थिंक बहुत सारे जगह ऐसा डिलिनेट करके बताया जाता है कि ये वाला आर्टिकल पढ़िए, इस वाले पेज पर है, इस वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, हेडिंग से ही पता चल जाएगा ये न्यूज़ मुझे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ठीक है? अब किसी भी एक्स कंट्री में कोई उनका लोकल रूल आया, कोई उनका लोकल लॉ आया, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पूछेगा, ठीक है, कि या फिर कोई इंटरनेशनल वाले पेज पे, ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना है कि किसी कंट्री का किसी और कंट्री के साथ कोई ट्रेड पैक्ट हो रहा है। हमको वो चीज़ें पढ़नी है जिसमें हमारी कंट्री इन्वॉल्व है, या फिर जिसमें कोई बहुत बड़ी सुपर पावर इन्वॉल्व है, ठीक है? वही चीज़ें पूछी जाएंगी। इस तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है। आपका छूट गया 1-2 दिन का तो आप उसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट होगा। मैक्सिमम 1/2 घंटा लगता है पढ़ने में, मैक्सिमम 1/2 घंटा। बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाना है, रीडिंग करनी है बस कि मेरे को पता चल गया। मैं तो ये बोलूँगी सीधे सीधे सिंपल सिंपल संतुष्टि हो जाए कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है? पढ़ना है पर, ठीक, न्यूज़पेपर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बाकी जो भी मैगजीन्स चलती हैं, कोई भी XYZ जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, एक ही टॉपिक के बहुत सारे व्यूज लिखे होते हैं, आप कोशिश करिए कि उनसे दूर रहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है? क्योंकि उसका जो वो है, जो भी कंटेंट है, वो आपको मेंस में हेल्प करेगा, बट आपको फिर भी मेंस में उतने कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको 2 पेज मिलते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, 15 के लिए 3, 20 के लिए 4। आपको उतना कंटेंट चाहिए ही नहीं जितना कि मैगजीन्स में लिखा है, ठीक है? आपको हर चीज़ के 8-10 पॉइंट पता होने चाहिए, उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है उतना कुछ पढ़ने की। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैगजीन्स रेफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक, वो भी ऐसा करें कि वो पर्टिकुलरली एग्ज़ाम के लिए ही बनी हुई मैगजीन हो, किसी भी कोचिंग की, पर एग्ज़ाम वाली मैगजीन जो पर्टिकुलर वो कोर्स के लिए बनती है, ठीक है?
प्रीलिम्स के लिए आई थिंक हो गया कि साइंस एंड टेक के लिए आपने कौन सी बुक रिफर करी थी? अच्छा, साइंस एंड टेक के लिए पहली बात तो जो आपके न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है? वो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से आता नहीं है, ठीक है? जो बुक मैंने कोई रिफर नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, ठीक है? सारे करंट अफेयर्स बस, बट मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किए थे, नोट्स बना के किए थे, ठीक है? तो बुक तो मैं नहीं बता पाऊंगी। आई थिंक 12th की कोई बायो वगैरह की बुक है जिसके पीछे के जो 4-5 चैप्टर्स बताए जाते हैं, हाँ हाँ वो पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत मॉक्स वगैरह में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप वहाँ कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है? तो वही 4 चैप्टर्स जो बुक पर्टिकुलरली थी वही थी, बाकी मैंने कोई बुक नहीं रिफर की, करंट अफेयर्स अच्छे से करा। थैंक यू। हेलो मैम। हाय मैम, कभी कभी ऐसा फील होता है कि प्रीलिम तो निकल जाएगा मैम, लेकिन मेंस में फंस जाएंगे, ऐसा मैम उसके लिए क्या कर सकते हैं मेंस के लिए? तो तैयारी आपको मेंस से शुरू करनी है, ठीक है? आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है जब आपका प्रीलिम्स बहुत दूर है, ठीक है? जैसे कि अगले साल जून में प्रीलिम्स होगा, ठीक है? तो मैं तैयारी शुरू करूँगी तो कैसे शुरू करूँगी, मैं पहले वो सब्जेक्ट उठाऊँगी जो कि मेंस और प्रीलिम्स में सेम होते हैं, जो कि मुझे सेम पढ़ना, मुझे लक्ष्मीकांत मेंस के लिए भी पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी, स्पेक्ट्रम मुझे मेंस के लिए भी पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मुझे मेंस के लिए भी पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है? और कौन सी बुक होती है जो हमको मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए पढ़नी होती है, ऐसे ही जो जितना भी है, ठीक है? हाँ, इकनॉमी आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी आपको वही पढ़नी होती है, नितिन सिंघानिया आप पढ़ रहे हैं तो आपको मेंस में भी वही हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में भी वही हेल्प करेगी, वो चीज़ें उठानी है जो आपके मेंस से ओवरलैप। ऐसा नहीं कि आपने मेंस शुरू किया तो सीधे GS3 शुरू कर दिया, ठीक है? कि GS3 में IR डिफेंस शुरू कर दिया कि मैं मेंस पढ़ रहा हूं, तो मैं आपको शुरुआत किससे करनी है जो आपके प्रीलिम्स से ओवरलैप हो रहा है, तो आपका मेंस भी तैयार हो रहा है, प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है, जब वो आप ख़त्म कर लें तब आप अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि सोसाइटी है, IR है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर है, ठीक है, GS3 के सारे टॉपिक्स वो सब अलग ही हैं, फिर वो करिए, वो सब करने के बाद दिसंबर तक, ठीक है? अभी मैं तैयार शुरू करूँगी, दिसंबर तक मैं अपना सब कुछ करूँगी, शुरुआत करूँगी जो ओवरलैप करता है, और आंसर राइटिंग दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट शुरू करना है जल्दी, क्योंकि हमको सीखना है कि कैसे लिखना है, तो आपको 1-1.5 महीने में एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ने के बाद टेस्ट लिखना शुरू करना, तो दिसंबर तक आपकी मेंस की सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप प्रीलिम्स पे जंप करिए, प्रीलिम्स पे स्पेसिफिक फोकस करिए, ठीक? मैम, जैसे कि आपने बोला कि अगर हम लोग कुछ कुछ बुक पढ़ते हैं तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अलग से निकाल लेते थे, मैम जैसे कि मेरा हिस्ट्री बहुत वीक है और हमको अच्छा समझ में आता नहीं, तो हिस्ट्री में अगर ये पॉइंट इम्प्लीमेंट होगा कि जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है कि उसको बाहर निकल दे, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट बाहर निकल दिए और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होगा जो छूट जाएंगे। देखिए, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालना कहाँ से है, ऐसी बुक से निकालना है जो आपने अपनी बेसिक बुक्स, आपको बेसिक बुक से नहीं निकालना है, आपको स्पेक्ट्रम से नहीं निकालना, स्पेक्ट्रम की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको वो मतलब आपके दिमाग पे छपी होनी चाहिए। पॉलिटी की आपको एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत की, उसमें से आप नहीं निकाल सकते। एनसीईआरटी पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आप नहीं निकाल, आप किस में से निकाल सकते हैं? कोई भी एक ऐसी बुक जो आपको लग रहा है कि आपके सोर्स के अलावा आप रेफर कर रहे हैं। प्लासी टू पार्टीशन रेफर करी मैंने, ठीक है? वो बुक आपको जो है कि आपका प्रीलिम्स के लिए नहीं है, वो बुक स्पेक्ट्रम आपकी प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए भी काम आती है। प्लासी टू पार्टीशन आप बुक खोलिए, उसमें बहुत पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है? उसको खोला ऑनलाइन, फटाफट पढ़ा, ठीक है? वो पूरा एनालाइज करके दियो, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये रीज़न था। आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछ लेगा ये कमेटी कब बनी थी, इस कमेटी का हेड कौन था, ठीक है? इस फ्रीडम फाइटर ने कौन सा लोकल स्ट्रगल लीड किया था, यही तो पूछेगा प्रीलिम्स में, ऐसे ही तो पूछता है। वो चीज़ें आप निकाल लीजिए, ठीक है? तो आपको अपने बेसिक्स में से नहीं कुछ छांटना है, बेसिक्स आपको पूरा ही करना है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, शंकर, आइए, सब पूरा। आप कुछ एक्स्ट्रा आप रेफर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ठीक है, ये वाली बुक में भी मुझे लग रहा है कि ये 50 चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो कभी तो पूछी जा सकती हैं, तो आप तब उसमें से निकालिए, ठीक? वे फॉरवर्ड वाले हैं, इस साइड पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। लोगों को अक्सर आदत होती है कि हम याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, पर लिखने का टाइम आता है तो पॉइंट्स नहीं आते। सपोज मैंने अपने नोट्स भी टॉपिक वाइज ही बनाए हैं मेंस के, बट एज अ बिगिनर जिसने आज से पहले कभी भी नहीं किया कुछ भी आंसर राइटिंग के रिगार्ड्स में, तो मुझे अगर एज अ बिगिनर स्टार्ट करना हो, कहते हैं ना कि आसान चीजों से स्टार्ट करना चाहिए, तो एज अ बिगिनर अगर मुझे स्टार्ट करना हो तो मैं कैसे करूँ फ्रॉम स्क्रैच एकदम? देखिए, एक तो तरीका ये है कि आपने जहाँ के टेस्ट लिए हैं वो टेस्ट आप हमेशा ये
ध्यान दीजिएगा कि वो टेस्ट धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। आपसे कभी भी वो आईआर का टेस्ट पहले नहीं रखेगा, कभी भी डिफेंस का टेस्ट पहले नहीं रखेगा। वो आपसे पहले क्या टेस्ट रखेंगे? हिस्ट्री का, जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है। टेस्ट का एक तो ये हो गया कि आप उससे शुरू कर सकते हैं, दूसरा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे या कोई ऐसी भी बुकलेट जिसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसके बाद आपको 10-15 एमसीक्यूज दिए हुए हैं या दो चार क्वेश्चन दिए। एनसीईआरटी के बुक में दिए हैं क्वेश्चन, जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन दिए हुए बच्चों के लिए हैं 6th-7th क्लास की, आप उसको लिखिए। आप लिखिए कि आप क्वेश्चन जो पूछा है वो, जैसे कि मैंने पहला टेस्ट हिस्ट्री का लिखा था, ठीक है, उसका सिलेबस जो था एनसीईआरटी था और स्पेक्ट्रम था, मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा, बट मेरे को उसमें वो टेस्ट वही था जिसमें 250 में से 60 नंबर मिले। तब जब मैंने अपनी कॉपी देखी तो मेरे को पता चला कि जो पूछा गया है मैंने वो नहीं लिखा है, ठीक है, यू हैव नॉट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब कैसे समझ में आया? उन्होंने लिखा फोकस ऑन द कीवर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे फोकस करिए। ऐसा नहीं कि आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया है तो आप मॉडरेट्स के बारे में लिखते चले गए। आपको क्या दिखाना है कि ठीक है मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस। अब मैं क्या करती थी, पॉइंट्स में लिखती रहती थी, ये ऐसे थे वो ऐसे थे, ये ऐसे थे वो ऐसे थे, पर सही तरीका क्या है? ये है सही तरीका, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बेसिक से शुरू करनी, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप लिखिए, लिख के आप देखिए कि पीछे जो कंटेंट दिया होता है मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पीछे उनका बच्चों को कराया जाता है ना, मैम मार्क करा देती थी, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर ये पैराग्राफ में यहाँ से, तो खुद से लिख लो, ठीक है। आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन देखा, आपने लिखा, आप पीछे देखिए, अगर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्वेश्चन था तो आपने वो चीज़ें लिखी जो बुक में दी हुई थी, देखिए आप, ठीक है, फिर दोबारा से पढ़िए। ऐसे शुरू करिए अपना कोई भी टेस्ट सीरीज आपने कहीं भी कोचिंग के लिए, सबसे बेस्ट तरीका है उसके रूटीन को फॉलो करना, ठीक है। वो आपको एक प्रेशर दिमाग में रहेगा, ये टेस्ट खुल गया है, 20 बच्चों ने दे दिया, मुझे देना है, तो मैं ये वाला सब्जेक्ट 2-3 दिन में रिवाइज करके दे दूँगी, ठीक, ऐसा। और बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मुझे सब याद हो जाए तब मैं लिखूँ, ठीक है। मैंने अपने एक टेस्ट में इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 मिलियन लिखी थी, ठीक है। क्या है इंडिया की पॉपुलेशन? 1.4 बिलियन है ना शायद, ऐसा कुछ है ना, हाँ ऐसा हो रहा है ना। मैंने उस टाइम 1.2 मिलियन लिख के आई थी, तो ये नहीं रोना है कि अरे यार बिलियन को मैंने मिलियन लिख दिया एग्जाम में, लिख दिया तो लिख दिया पर मेरे को पता चल गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता था कि पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन आपने मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बहुत जगह गलत डेटा लिख दिया तो पॉइंट आउट हुआ कि ये नहीं है, जो पॉइंट आउट हुआ वो तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो आपको जितनी गलती करनी है आप करिए, बस इतने उस टाइम पे गलती करिए कि सुधारने का टाइम रहे। तो इसलिए आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करिए, 2 दिन छोड़ के करिए, 3 दिन छोड़ के करिए, 4 दिन में एक आंसर लिखिए, पर लिखिए, लिखते रहिए। 80 टेस्ट लिखने के बाद 8-90 आए हैं, मतलब मेरे, मैं पर्सनली बता रही हूँ, बाकी जिसका जैसा कैलिबर, लेकिन आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे आपने बताया स्कीम्स और पॉलिसीज की रेलेवेंस मेंस में भी होती है, प्री में भी होती है, और स्कीम्स बहुत ज़्यादा है, 100+ स्कीम्स है, तो आपने सारी याद करी थी या सब्जेक्ट वाइज, जैसे सोसाइटी में जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है, वैसे याद करी थी? जो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, आपको लिस्ट लेके नहीं बैठनी है, ठीक है। आप ऐसे लिस्ट मत निकालिए कि इंपॉर्टेंट स्कीम थी वो, जो जो टॉपिक आता जा रहा है, अगर अर्बनाइजेशन का टॉपिक है तो कोई स्कीम आई होगी, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, कुछ भी आया होगा। अगर आप ब्यूरो गवर्नेंस वाला पढ़ रहे हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है, सिटीजन चार्टर होगा, ठीक है, और क्या 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 स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है, जनधन योजना है कुछ करके, जैम ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर की बहुत सारी, एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं कि ड्रिप इरीगेशन की ज़रूरत है तो कोई स्कीम होगी कि जिसपे कि वो, हाँ, कृषि सिंचाई स्कीम या कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, मौसम ऐप, सेवा ऐप, ठीक है, कृषि चौपाल, सब आपको सब्जेक्ट के साथ साथ ही करना। आप एक साथ लेके बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये स्कीम इसके लिए है तो मैं कहाँ ही करूँ। आप जब टॉपिक के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा यहीं पे यूज़ करनी है, ठीक। आपका ये पेज है मार्जिन, ये रफ पेज मिला हुआ है, टाइमर देखिए, घड़ी देखिए, आधे घंटे आपको, आधे घंटे देना है। तो रफ पेज में पहले आपने टॉपिक लिख दिया, ठीक है, ये टॉपिक है, टॉपिक में जो कीवर्ड है अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, विजनरी, डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन, इनका कीवर्ड हाईलाइट कर दिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ये रफ वर्क है। मैंने लिख दिया एनेक्डोट। अब मैंने क्या स्टोरी लिखी है, वॉच, मतलब घड़ी से स्टोरी रिलेटेड लिखी है, तो ये वॉच वाली स्टोरी मैं लिखूंगी। एनेक्डोट के बाद बॉडी, मैं कैसे करती हूँ, कैसे करती हूँ मैं, हिस्ट्री, ठीक है,
थोड़ा बहुत फिलॉसफी बता दी कि ठीक है पहले ऐसा होता था, जो है कि ह्यूमन रेस ऐसे प्रोग्रेस करी, डिसीजन बनाया उन्होंने तभी जा, कुछ भी आप लिख दीजिए कि ह्यूमन ने डिसीजन लिया कि स्टोन से उसको आग जलानी है तो उसने जलाया, आज देखिए कितना प्रोग्रेस कर रहा है, किसी ने सोचा था कि वो फायर जो है इतनी यूजफुल होगी, है ना, व्हील बनाया, तो विजन था, किसी का विजन रहा होगा, नहीं भी रहा था हमको लिखना है, किसी का विजन रहा होगा कुछ, तो आप थोड़ा सा, आप इतना पढ़ चुके होंगे कि आप अपनी बात थोड़ा सा तोड़ मरोगे इस तरीके से, बहुत ही डिसेंट वे में आप समझा पाएंगे हिस्ट्री का, मैंने ये ली, सॉरी नहीं ठीक है, मैं दोबारा लिख दूंगी, ठीक है हिस्ट्री का लिख दिया कि मैं ये लिखूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सोचा अच्छा मैं आर्ट एंड कल्चर में लिखूंगी कुछ, ठीक है, मैंने सोच लिया कि अब ज्योग्राफी का कुछ लिखेंगे, ठीक है, उसमें भी आप ज्योग्राफी में कैसे लिख सकते हैं कि भाई विजनल डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अर्ली वार्निंग साइन जो बोलते हैं हम लोग, वो डेवलप किया गया है जिससे कि अर्थक्वेक या इसका पता, वो भी एक विजन था ना, ठीक है, वो भी विजन था, तो आज देखिए जापान जैसी कंट्री जो कि इतने सारे डिजास्टर्स फेस करती है पर उसका नुकसान कितना कम होता है, तो उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी करी उनका विजन था कि हम आगे ऐसे करेंगे, ठीक है, वो किया, तो वो लिख दीजिए, हाँ ऐसे कर दीजिए, अरे यार ठीक है, उसके बाद आप कुछ और तो मैं बता रही थी, भूल गई, नहीं वो तो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे ही आप साइंस एंड टेक लिख दीजिए, डिफेंस लिख दीजिए, स्पेस लिख दीजिए, स्पेस में आप क्या लिख सकते हैं कि भाई APJ अब्दुल कलाम जी का विजन था, ठीक है, तो अब ये है एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिख दिए, ठीक है, मैंने एग्जांपल्स लिख दिए सारे कि मैं ये बातों पर अपना ऐसे लिखूंगी, अब डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना है कि डायरेक्ट लिखते चले गए कि अच्छा उन्होंने ये की, आप दो चार लाइन लिखिए कि विजन हेल्प्स द कंट्रीज इन प्रोग्रेसिंग इन द पाथ ऑफ स्पेस, ठीक है, थ्रू विच दे कैन प्रॉस्पर, ठीक है, एज वी कैन सी कंट्रीज लाइक अमेरिका हैविंग दिस टेक्नोलॉजी, है ना, दे आर हेल्पिंग मिलियंस, फॉर एग्जाम्पल द GPS टेक्नोलॉजी कितनी मदद मिलती है हमको, तब आप लिखेंगे सिमिलर एग्जाम्पल इज इन इंडिया इन आर कंट्री ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल द विजन ऑफ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट जो भी मतलब है APJ अब्दुल कलाम, द विजन दे सॉ विद द बाइसिकल और उस पर लेकर गए, ठीक है, ठीक है, द जर्नी ऑफ द आर स्पेस प्रोग्राम हैज बीन कमेंडेबल, ठीक है, अ क्वाइट करेक्ट डिपिक्शन ऑफ हाउ विजनरी डिसीजन मेकिंग हेल्प द कंट्रीज, ऐसे करके लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया कि एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल वो, डेटा ये, डेटा वो, फैक्ट्स ये, स्टैटिस्टिक्स ये, कमीशन वो कमीशन, कुछ नहीं ऐसा डायरेक्ट, कुछ नहीं, चार पांच लाइन लिखिए, GS में तो दो लाइन लिखिए, ठीक है, वही डेटा का लिख दीजिए कि डिक्रीज हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग, तब डेटा लिखिए, ये मत सोचिए डेटा लिख के कि वो उसको पता चल जाए कि 9% से 5% आ गया है, ठीक, तो ये सब आपको एक्सरसाइज करनी है आपके रफ पेज में, पूरा का पूरा आप अपने रफ पेज में करेंगे, आधे घंटे आराम से, एक घंटा बहुत ज़्यादा है इसको लिखने के लिए, ठीक है, 10 पेज लिखना है, दिमाग में सेट करके जाइए, 10 या 11 पेज में वो वर्ड्स हो जाते हैं, वर्ड्स गिनने की ज़रूरत नहीं है ना प्रैक्टिस में ना उसमें, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये पूरा आप टॉपिक बनाइए, और जब आप लिखेंगे एसे तो ये आपका एसे का पेज है, आपने लिखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब टॉपिक एसे करके टॉपिक लिखा, कोर्स में लगाया, अब यहाँ से एसे शुरू हो गया, यहाँ से शुरू किया, जो भी आपका एनेक्डोट था वो आपने ऐसे लिखना शुरू किया, आपका एनेक्डोट खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म, दस वी विल डेल्व इनटू डीप अबाउट दिस डिजीज करके खत्म, यहाँ पे बैक पेज पे टिक, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड आपने हिस्टोरिकल जो जो लिखा कि मैन हैज प्रोग्रेस्ड दिस आपने पीछे किया टिक, फिर आपने कुछ और लिखा स्पेस के बारे में लिखा टिक, ऐसे ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स लिखने, वो पेज हमेशा पलटते रहिए, देखते रहिए, और जो कीवर्ड है उसको हमेशा डालते रहिए, हर पेज में 2-4 होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया, लास्ट का आपका हमेशा एथिकल वाला, थोड़ा एथिकल स्टार्टिंग और एंडिंग में, स्टार्टिंग में एथिकल का पर्सपेक्टिव मत कुछ रखिए आपके इसमें, ठीक है, और एंडिंग में आप एथिकल का कर सकते हैं या कुछ अपना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया उस तरीके से, 1.5-2 पेज का आराम से कंक्लूजन, ठीक है, 1.5-2 पेज का कंक्लूजन, उससे कम नहीं, क्योंकि फिर वो लगता है कि बॉडी का सारा कंटेंट करने के बाद ये तो पल्ला झाड़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक, तो प्रीलिम्स अभी जितना भी 45 डेज बचा है, सबसे पहला जो चीज़ दिमाग में रखनी है, अब नया नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा, करंट अफेयर्स भी नया बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के एक महीने पहले का तो बुकलेट भी नहीं आती, बाद में ही आती है ना, ऐसा ही तो होता है, यहाँ की भी बाद में ही आती है,
तो वो तो आपको पढ़ना नहीं, ये नहीं कि बुकलेट नहीं आई तो अब मैं बैठ के कलेक्ट करूँगा सारे 30 दिन के न्यूज़पेपर खोल के सब कुछ लिखूँगा, नहीं आई नहीं पढ़ो, ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उतना दिमाग में है, काफ़ी है, नई चीज़ नहीं पढ़नी। दूसरा, टेस्ट दे सकते हैं या 20-25 दिन पहले बंद करना है, अभी बंद करना है बंद कर दीजिए, अभी तो खैर काफ़ी टाइम है। टेस्ट दीजिए, जो पहले टेस्ट दिए हैं उनको रिवाइज करिए, ठीक है। और टेस्ट रिवाइज करिए बहुत ज़्यादा, बहुत बार उसको एज अ सब्जेक्ट बना लीजिए, वो आपकी कॉपी बन जानी चाहिए टेस्ट की। उसको रिवाइज करिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ। एक दिन में लक्ष्मीकांत आप टारगेट बनाएंगे कि मैं एक दिन में ख़त्म कर लूँगा, तो आपके एक दिन तक लास्ट के 20-25 चैप्टर्स भी बच जाएंगे, तो आपको लगेगा यार मैंने फर्स्ट से लेकर 40 तक कर लिया, ठीक है। टारगेट बनाइए छोटा छोटा कि आपको करना है, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से पेज में लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम पे जाने से पहले उसको ज़रूर देख लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए यही, जो आपको लास्ट में चीज़ें याद नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी, आपको लग रहा है कि अरे यार ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को, चंद्रयान पे ये इक्विपमेंट से मुझे याद ही नहीं हो रहा है, बस एक पेज पे लिख लिया, ठीक है, जाने से पहले देख लूँगा। कोई भी आर्ट एंड कल्चर का कोई भी एक्स चीज आपको याद नहीं हो रहा है कि इस किंगडम की स्टार्टिंग और एंडिंग क्या थी, तो वो लिख लिया। ऐसे ऐसे करके आपको वो चीज़ें थोड़े फोकस करनी जो आपको याद नहीं हो रही हैं, नया नहीं पढ़ना है। टेस्ट देते रहिए, 20 दिन पहले टेस्ट बंद कर दीजिए, जितना भी टेस्ट दिया है सबको रिवाइज करिए, सबको रिवाइज करिए, ठीक है। टेंशन बहुत मत लीजिए, स्ट्रेस बहुत मत लीजिए। पहला जो मेरा प्रीलिम्स बेकार हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा एक दिन पहले बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और दूसरे दिन मैंने मतलब एक पेपर तो सेंसेस में दिया था, एक पेपर तो मैं मतलब एग्जामिनर लोग भी मतलब एकदम पकड़ने करने आ गए थे कि बेहोश हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस ले लिया था, बहुत ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी, ऐसा कुछ मतलब बहुत आराम से आपको पेपर देना है, बहुत ही कूल होके एक आइटरेशन किया, 20 क्वेश्चन कर लिए सौ में से, दूसरा आइटरेशन किया 10 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा किया फिर कर लिए, ठीक है। आपको लग रहा है आप एक अपना सेट पैटर्न बना लीजिए कि अच्छा ठीक है कि 80 क्वेश्चन की पेपर की डिफ़िकल्टी के हिसाब से 80 अटेम्प्ट करने का सोचा है मैंने, देखती हूँ कि 3-4 आइटरेशन के बाद कितना हो रहा है, फिर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए कि अच्छा ठीक है 4-5 और कर लूँ क्या, ये वाला कर सकती है, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्या करने की, ये सब आपकी मेंटल प्रैक्टिस टेस्ट के टाइम पर होनी चाहिए, उसी तरीके से करिए। टेस्ट में भी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। टेस्ट में भी आपका टारगेट होना चाहिए कट ऑफ क्लियर करना। मैं पूरी अपने रूम में चिपका के रखती थी, हिस्ट्री का टेस्ट इतने मार्क्स, पॉलिटी का टेस्ट इतने मार्क्स, और लास्ट में मैं फिर देखती थी कि मेरे 90 किसमें हैं, तो मैं येल्लो पेंसिल्स को हाईलाइट करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे खुशी देने के लिए ये सब कर लीजिए। मेंस के मार्क्स पूरे पूरे लिखती थी, जिसमें ट्रिपल डिजिट में मार्क्स रहते थे उसको हाईलाइट कर लेती थी, इससे कर देती थी, दिखता रहता था, ठीक है। अच्छा लगता था कि यार जो है कि 80-90 नंबर आते थे, कहाँ 105 आ गए, 110 आ गए, ठीक है। देखते रहिए, ऐसे ऐसे करते रहिए, ठीक। और बस यही है कि रिवाइज करते रहिए, ठीक। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आपने आई गेस जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैम, पूरी चहल अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फ्यूचर में भी आई गेस आप हमें ऐसे ही मैम एकदम प्राउड फील कराएंगे, एंड यू आर अ वेरी गुड जेम फॉर इंडिया, और आने वाले सर्विस में भी आप बहुत अच्छा करेंगे मैम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड प्लीज गाइज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने बहुत ही डिटेल रूप में मैम बहुत ही बेटर इंसाइट्स मिले हम लोगों को, थैंक यू सो मच मैम, wish you all the best. thank you so much.